Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So what it says, a particle is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal. Consider a small part of its path near the highest position and take it approximately to be a circular arc. What is the radius of this circle? This radius is called the radius of curvature of the curve at the point. Okay, fine. So ek kaam karte hain, hum is problem ko thoda general way mein solve karte hain. So ye aapka ground hai. और ग्राउंड से आप किसी पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पे यू स्पीड से प्रोजेक्ट करते हो. सो जो पार्टिकल है एक यू नो प्रोजेक्टाइल में मूव करेगा और वापस ग्राउंड पे आ जाएगा. सो आई वांट यू टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पार्टिकल आफ्टर टाइम टी. टाइम टी के बाद कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस पार्टिकल का. सो मान लेते हैं आफ्टर टाइम टी ये जो पार्टिकल है किसी जनरल पोजिशन ए पे है, राइट. और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लिया ये वेलोसिटी है वी, राइट. अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हम यू नो एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. अप्रॉक्सीमेटली एक सर्कुलर पाथ में अगर ये मूव करता है ना इस पॉइंट पे, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा. सो पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करो. एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ करो कि जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट हो इस सर्कल के. अब देखो जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना, अब अगर इसे रिलेट करो, सो जो वेलोसिटी होती है एट एनी पॉइंट वो टेंजेंशियल होती है सर्कल के, है ना. एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द सर्कल. इसीलिए ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है ये इस तरह से ड्रॉ किया है सो दैट वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू दिस सर्कल. और फर्दर जो रेडियस है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. सो इसका जो रेडियस होगा, इस तरह से कहीं पे रेडियस होगा कैपिटल आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के. सो ये एंगल आपका 90 होगा. तो हमें ये रेडियस निकालना है. अब किस तरह से हम रेडियस निकाल सकते हैं, आप देखो. आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. कितने फोर्सेस लगेंगे? एक ही फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड, एम जी, राइट. नाउ टेक द कंपोनेंट्स ऑफ एम जी. जैसे हम सर्कुलर मोशन में क्या करते हैं, जितने फोर्सेस लग रहे हैं उसके कंपोनेंट्स लेते हैं रेडियल डायरेक्शन में और टेंजेंशियल डायरेक्शन में. सो रेडियल डायरेक्शन के लिए हमें ये एंगल चाहिए, राइट. एम जी के कंपोनेंट जब आप रेडियल डायरेक्शन में लोगे तो आपको ये एंगल चाहिए. अब ये एंगल कितना है? सो मान लेते हैं अल्फा है. अभी हमें नहीं पता अल्फा, हम बाद में निकाल लेंगे. सो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, रेडियल डायरेक्शन में आपके पास आएगा एम जी का कॉस अल्फा, और पीछे की तरफ आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में एम जी का साइन अल्फा. अब क्या क्या इक्वेशन आप लिख सकते हो, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर विच इज एम जी का कॉस अल्फा, दैट शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर. यहाँ पे वी क्या है, स्पीड है ना. मैंने यहाँ पे वेलोसिटी लिया था, बट आप यू नो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये स्पीड लिखा है मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. और आप एक इक्वेशन लिखते हो, लिख सकते हो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एम जी का साइन अल्फा, दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डी वी बाई डी टी, राइट. सो ये वाली इक्वेशन तो ठीक है, बट इससे हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं आएगा. हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा फर्स्ट वाली इक्वेशन से. सो फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो. मास तो कैंसिल हो जा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है वी स्क्वायर अपॉन जी का कॉस अल्फा. अब यहाँ पे देखो, हमें वी नहीं पता, स्पीड नहीं पता पार्टिकल का, और अल्फा भी नहीं पता. अगर हम वी और अल्फा निकाल लें देन वी कैन इजिली फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी. हमें क्या क्या पता है, आप देखो, यू पता है किस इनिशियल स्पीड से आपने फेंका था, थीटा पता है और टाइम पता है. सो ये तीन चीज पता है, वी और अल्फा नहीं पता. वी और अल्फा निकालना है. वी क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी. So can you find out the speed of the particle after time t if you know if you had projected the particle with an initial speed u and at an angle theta. Nikal sakte ho, simple hai. Aap dekho, aapne is tarah se projectile motion kiya tha, is tarah se projectile motion kiya tha particle ne. So aap component nikal sakte ho na, jaise ux let's say vx hai na, jaise particle ki a pe जो वेलोसिटी थी वो v थी. सो x कंपोनेंट vx है और y कंपोनेंट vy है आफ्टर टाइम t, है ना, आफ्टर टाइम t. सो vx कितना होगा, vx विल बी u का cos थीटा. आप देखो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, x कंपोनेंट जो होता है एक्सेलरेशन का वो जीरो होता है. तो x डायरेक्शन में आपका जो वेलोसिटी रहता है, x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहता है ना, बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं होता. सो ये हमें निकल जाएगा. फर्दर vy कैसे निकालोगे, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, g डाउनवर्ड. सो वी वाई विल बी u साइन थीटा इनिशियल y कंपोनेंट, राइट, माइनस g इंटू टी, राइट. सो इस तरह से हम कंपोनेंट निकाल लेंगे, देन फिर v निकल जाएगा. v क्या होगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस सॉरी वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वी एक्स कितना है u का cos थीटा और वी वाई कितना है u साइन थीटा माइनस जी टी, राइट आपका v निकल गया। अब अल्फा की बात करते हैं, अल्फा के लिए आप देखो लेट मी ड्रॉ द फ्रेश डायग्राम। अल्फा क्या था आप अगेन इस तरह से देखो, व्हाट वाज अल्फा, अल्फा था क्या एक्चुअल में, ये आपका पार्टिकल था राइट, इसकी जो वेलोसिटी थी कुछ इस डायरेक्शन में वी थी और हमने अप्रोक्सीमेटली एक सर्कल ड्रॉ किया था और ये जो था ये रेडियस था इस सर्कल का जो कि परपेंडिकुलर था वेलोसिटी के और जो एम जी था वर्टिकली डाउनवर्ड था राइट, और एम जी और आर के बीच में हमने जो एंगल लिया था वो अल्फा लिया था। अब अल्फा कैसे निकालना है देखो, आपको क्या पता है इस वेलोसिटी के कंपोनेंट पता है, वेलोसिटी के कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है वी एक्स और वी वाई पता है, जैसे हमने अभी यू नो ऊपर निकाला वी एक्स और वी वाई, वी एक्स वी वाई पता है। आप देखो ये एंगल अल्फा है ना, ये क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एम जी क्या है वर्टिकल, सो इन ये जो है ये दोनों परपेंडिकुलर, अगर ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा राइट। अब आप देखो ये जो वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर है आर के, इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर है राइट, इनके बीच में भी एंगल 90 है, सो ये एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा और ये एंगल हमें पता है, ये एंगल क्या है टेन इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स राइट, यही तो अल्फा है, ये अल्फा हम निकाल सकते हैं ना, ये देखो वी वाई है यहाँ पे वी वाई आप कर दो और ये वी एक्स है राइट, सो वी वाई अपॉन वी एक्स दैट विल बी टेन अल्फा, सो अल्फा विल बी टेन इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स और वी वाई वी एक्स हमें पता है। तो आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, थीटा विद द हॉरिजॉन्टल कंसीडर अ स्मॉल पार्ट हाईएस्ट पोजीशन पे निकालना है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर हाईएस्ट पोजीशन पे वी और अल्फा निकाल लो। पहले आप क्या करो, हाईएस्ट पोजीशन पे वी और अल्फा निकालो, उसके लिए आपको क्या लगेगा वी एक्स और वी वाई, हाईएस्ट पोजीशन पे वी एक्स तो हमेशा ही कॉन्स्टेंट रहेगा यू कॉस थीटा, वी वाई की बात करो हाईएस्ट पोजीशन पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा। अब वी निकालो, वी कितना होता है अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, सो वी वाई तो जीरो है तो वी एक्स ही आ जाएगा यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा आ गया। अब क्या निकालना है, वी आ गया और क्या चाहिए होता है अल्फा, अल्फा इज टेन इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स, सो वी वाई जीरो है तो ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ जीरो है ना, सो जीरो अल्फा आ गया आपका जीरो, अल्फा जीरो है और वी का वैल्यू यू कॉस थीटा है ठीक है। सो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने कहाँ लिखा था, हमने कहाँ निकाला था रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहाँ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रहा ना हमारा वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा, ये रहा वी और अल्फा नहीं पता थे, ये रहा आपका ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, वी का वैल्यू कितना है यू कॉस थीटा, सो यू का यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी इंटू कॉस अल्फा कॉस जीरो, सो यही आपका आंसर है। इस फॉर्मूले में आपको जिस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है उस पॉइंट का वेलोसिटी और उस पॉइंट का अल्फा निकाल सकते हो और सब्स्टिट्यूट करके रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाए। फाइन, आई होप इट्स क्लियर, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट हियर, राइट वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।